नमस्कार किसान भाइयों, सयाजी सीड्स की जैविक खेती सीरीज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का विषय है जैविक खेती में रोग प्रबंधन के तरीके। आइए देखते हैं फसलों को रोगों से कैसे बचाया जा सके और रोग लगने के बाद क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले फसलों को रोगों से कैसे बचाया जा सके। गर्मी में खेत की गहरी जुताई करें। खेत में से रोगग्रस्त, कीटग्रस्त और बिना सड़े हुए पौधों के अवशेषों को इकट्ठा करके नष्ट करें। फफूंद और जीवाणु जनित रोगों से बचाव के लिए भूमि की तैयारी के दौरान 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी और 2.5 लीटर सुडोमोनास फ्लोरोसेंस को 200 किलोग्राम सड़े हुए गोबर के साथ मिलाकर प्रति एक हेक्टर भूमि में समान रूप से प्रसारित करें। पौधों को रोगों से बचाने के लिए और मिट्टी में रोगजनकों को नियंत्रण करने के लिए मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारें, जिसमें संजीवक खाद, पंचगव्य, समृद्ध अमृत घोल, कंपोस्ट खाद, केचुआ खाद, हरी खाद और जैव उर्वरक का उपयोग कर सकते हो। खेत में से जल निकास की अच्छी व्यवस्था करें। रोग प्रतिरोधक किस्मों का उपयोग करें। बुवाई के लिए रोग मुक्त और स्वस्थ बीजों का उपयोग करें। बीजों को बीज जनित और मुद्रा जनित रोगों से बचाने के लिए 1 किलोग्राम बीज को 10 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी से उपचारित करके बुवाई करें और समय पर बुवाई करें। अब देखते हैं फसलों में रोग लगने के बाद क्या क्या करना चाहिए। फफूंद और जीवाणु रोग के लिए 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी को 100 किलोग्राम सड़े हुए गोबर या मिट्टी के साथ मिलाकर या फिर पानी देते समय प्रति एक हेक्टर भूमि में डालें। फफूंद रोग निवारण के लिए 4 लीटर सूठास्त्र, जिसमें 200 ग्राम सूट, 2 लीटर पानी और 2 लीटर दूध को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एक एकड़ में छिड़काव करें। फफूंद और विषाणु रोग निवारण के लिए 200 लीटर पानी में 7 से 10 दिन पुरानी 10 लीटर खट्टी छाछ मिलाकर छिड़काव करें। सभी प्रकार के रोग नियंत्रण करने के लिए 8 लीटर 10 पानी तरल अर्क को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एक एकड़ में छिड़काव करें। साथ ही कटाई के समय रोगग्रस्त पौधों को हटाकर नष्ट कर दें और फसल चक्र भी अपनाएं, जिससे मिट्टी में रोगजनकों को कम कर सके और फसलों को रोगों से बचाया जा सके। दोस्तों, सयाजी सीड्स का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।